Hello students, welcome to CR International School online study system. I hope all of you will be fine at home. Stay home, stay safe. We are doing business studies. Lesson number 9, the internal trade bit. In the last video, we were discussing the key feature of GST. The key features of GST. GST की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे. तीन विशेषताएं हमने डन कर ली थी. आज देखिए फोर्थ, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम. तो आपको पता है जो जीएसटी सिस्टम है वो दो तरीके से भारत के अंदर अप्लाई होता है बेटे. एक तो होता है आईजीएसटी, द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है. दूसरा होता है बेटे इंट्रा स्टेट सप्लाई में, इंट्रा स्टेट सप्लाई के अंदर. ये कौन सी सप्लाई होती है? इंटर स्टेट सप्लाई बेटे. और दूसरा इंट्रा स्टेट सप्लाई. तो इंटर स्टेट सप्लाई में आईजीएसटी लगता है, जिसका 50% जाता है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. रिमेनिंग 50% जाता है द स्टेट ऑफ कंजप्शन. स्टेट ऑफ कंजप्शन, जिस स्टेट में आप कंज्यूम कर रहे हो गुड्स को, बाकी 50% जाता है उस स्टेट में. आगे है इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट क्या था कि एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के बीच जब ट्रेड होता है, जैसे रेवाड़ी महेंद्रगढ़ हो गया या रेवाड़ी गुड़गांव हो गया, इनके बीच होता है. तो इंटर स्टेट में क्या अप्लाई होती है? सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये अप्लाई होता है बेटा. यानी कि 50% लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी 50% स्टेट गवर्नमेंट आपकी लेती है बेटे. स्टेट गवर्नमेंट लेती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. तो आपने देखा जो जीएसटी सिस्टम है भारत के अंदर, द सिस्टम ऑफ जीएसटी कैन बी कॉल्ड एज अ ड्यूअल सिस्टम, ठीक है. तो इसे हम ड्यूअल सिस्टम, दोहरी व्यवस्था कह सकते हैं, दोहरी व्यवस्था प्रणाली कह सकते हैं इसे हम, क्योंकि इसमें दो तरीके से बेटे टैक्स लगता है. एक तो आईजीएसटी के तहत, ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई के बीच जब दो राज्यों के बीच सप्लाई होती है तो उस पर आईजीएसटी लगती है, ठीक है. जो स्टेट में कंजप्शन ऑफ गुड्स होता है वो स्टेट की गवर्नमेंट जीएसटी कलेक्ट करती है, उसमें 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है और उसको वो पे कर देती है. दूसरी इंट्रा स्टेट सप्लाई में अप्लाई होते बेटे. इंट्रा स्टेट सप्लाई में होता क्या है, एक ही राज्य के विभिन्न जिलों के बीच व्यापार होता है, उस पर जो भी टैक्स लगता है उसका 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को. तो आप कह सकते हो कि ये एक ड्यूअल जीएसटी सिस्टम होता है जिसमें लगता है. और आपको पता है कि बेटे कि ये सिस्टम सेल और परचेस ट्रांजेक्शन पर अप्लाइड होता है, ठीक है. जो टाइम ऑफ टैक्स होता है या इवेंट ऑफ टैक्स होता है, दैट इज अ सेल ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ गुड्स आप बोल सकते हो बेटे. सेल और इट कैन बी आल्सो कॉल्ड द सप्लाई ऑफ गुड्स. तो ये सिस्टम बेटे भारत के अंदर अप्लाइड होता है, ठीक है. तो ये सिस्टम है ड्यूअल सिस्टम, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट पॉइंट है जीएसटी रेट्स बेटे. तो आपको पता है इंडिया के अंदर जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स हैं, द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गुड्स हैव बीन चार्ज्ड डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी बेटे. कई गुड्स है जिस पर 0% जीएसटी थी बेटे, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कराया था. कई गुड्स है जिसके ऊपर कितनी जीएसटी थी? 5% जीएसटी थी बेटे. फिर कई गुड्स थे जिसके ऊपर 12% जीएसटी थी, कई गुड्स थे जिसके ऊपर 18% थी और लास्ट में 28%. तो आपने देखा कि नंबर ऑफ कैटेगरी ऑफ गुड्स होते हैं जिसके ऊपर मैनी टाइप्स ऑफ जीएसटी, अलग अलग रेट से जीएसटी चार्ज या अप्लाइड की जाती है, जिसमें 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28% चार्ज किया जाता है बेटे डिफरेंट लेवल ऑफ गुड्स पर, ठीक है. तो अलग अलग कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है गुड्स पर जीएसटी चार्ज करने की. आगे है रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट बेटे. तो जीएसटी एक्ट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है बेटे. सो एवरी इंडिविजुअल और द बिजनेस यूनिट, एवरी इंडिविजुअल और द बिजनेस यूनिट हु इज सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑन द फॉलोइंग ऑफ द जीएसटी एक्ट बेटे. तो कोई भी बिजनेस यूनिट है, ठीक है, कोई भी बिजनेस यूनिट है बेटे जो सेल और परचेस के बिजनेस में लगी हुई है, उसे जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है बेटे. तो दो कैटेगरी इन्होंने बताई हुई है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की. सबसे पहली है नॉर्मल कैटेगरी बेटे, ठीक है, नॉर्मल कैटेगरी के लोग जिन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है बेटे. तो नॉर्मल कैटेगरी में आ गया है सर्विसेज के लिए. देखिए सर्विसेज के लिए अगर आपका टर्नओवर 20 लाख है बेटे, 20 लाख अगर आप रुपए कमाते हो, रेवेन्यू आपकी 20 लाख है या सेल आपकी 20 लाख है, तो आपको रजिस्ट्रेशन जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी बन जाता है सर्विसेज के लिए 20 लाख बेटे. फोर
गुड्स गुड्स के लिए देखिए ये होने चाहिए 40 लाख रुपए बेटे। 40 लाख की सेल अगर आपकी है, 40 लाख का टर्नओवर आपका है, 40 लाख तक की सेल अगर आप कर देते हो बेटे, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। ये थी इनकी नॉर्मल कैटेगरी बेटे, नॉर्मल कैटेगरी के बिजनेस है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी होता है। सेकेंड देखिए बेटे, स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी के बिजनेस इसके लिए जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होता है, ये है बेटे ऑन द टर्नओवर ऑफ मोर देन 10 लाख फॉर द गुड्स एंड द सर्विसेज। तो बेटे कुछ स्पेशल टाइप के बिजनेस होते हैं जिसके लिए अगर 10 लाख की सेल भी आपकी इंक्रीज हो गई तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी हो जाएगा बेटे, ठीक है। तो ड्यूअल सिस्टम है जीएसटी का, जीएसटी की रेट अलग अलग है और जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होता है। सर्विसेज के लिए 20 लाख तक का और गुड्स के लिए 40 लाख तक का इन केस ऑफ नॉर्मल बिजनेस, और अगर आपकी स्पेशल कैटेगरी ऑफ गुड्स है तो 10 लाख सेल होते ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है बेटे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ बेटे, जीएसटी में बार बार आपको देखते हो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। तो आपको बताया हुआ है भाई कि जीएसटी जो सिस्टम होता है बेटे, इसमें दो बार आपको टैक्स पे करना पड़ता है, दो बार आपके ऊपर टैक्स लगता है। सो द सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंसर्न्ड विद टू टाइप ऑफ टैक्स बेटे। तो जो सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं उन्हें दो टाइप के टैक्सेस से लेना देना होता है, दे आर कंसर्न्ड विद द टू टाइप ऑफ टैक्सेस बेटे। सबसे पहला होता है इनपुट जीएसटी, सेकेंड होता है आउटपुट जीएसटी बेटे। ये जो इनपुट जीएसटी होता है ये जब आप गुड्स को परचेस करते हो बेटे, परचेस करते हो तो हमें इनपुट जीएसटी पेड करनी पड़ती है, हमें क्या करनी पड़ती है, इनपुट जीएसटी को हम पेड करते हैं बेटे, ठीक है। जब आप गुड्स को सेल करते हो, सेल करते हो तो आपको आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जो जीएसटी होते हैं बेटे वो रिसीव्ड होती है। अब देखिए होगा क्या, जो जीएसटी आपको रिसीव्ड हुई है और उसमें से जो जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर चुके हो बेटे, उसका आपको क्रेडिट मिल जाता है, वो कहलाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रहा है बेटे, आपने माल बेचा, बेचा तो उस पर टैक्स कलेक्ट किया होगा, आपने जो माल बेचा है, बेचा है उससे पहले ना किसी से खरीदा भी होगा, खरीदा होगा तब आपने जीएसटी पेड करी, बेचा जब आपने जीएसटी कलेक्ट करी, तो कलेक्ट में से पेड वाली हम जो माइनस कर देंगे बेटे तो जो जीएसटी बचेगी वो आपको अब गवर्नमेंट को पे करना है, और जो आपने माइनस कर दी उसका आपको मिल जाता है क्रेडिट, जो कहलाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटे। तो बुक में आपको यही बताया हुआ है कि भाई दो तरह की जीएसटी होती है, इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स बेटे, ठीक है। इनवर्ड सप्लाई यानी कि परचेस करते समय जो टैक्स आप पे करते हो दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स। सिमिलरली द टैक्स विच इज लेवाइड एट द टाइम ऑफ सेल इज कॉल्ड आउटपुट टैक्स बेटे। सेल के समय जो टैक्स आप पे करते हो वो आउटपुट टैक्स होता है। व्हेन द सप्लायर मेक्स द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स ही फर्स्ट लेसन द अमाउंट दैट ही ऑलरेडी फ्रॉम पेड इन द फॉर्म ऑफ इनपुट टैक्स। तो आपको बताया हुआ है बेटे कि जो सेलर होता है, देखिए जब आउटपुट टैक्स बेटे पे करता है गवर्नमेंट को तो उसमें से जो ऑलरेडी टैक्स वो पे कर चुका है उसे क्या कर लेता है, यहाँ से माइनस कर लेता है, जो कि कहलाती है इनपुट टैक्स क्रेडिट बेटे। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल ठीक है, एक्स ने माल परचेज किया, एक्स ने परचेज किया बेटे 2000 का माल, इस पे उसने टैक्स पे कर दिया मान लीजिए, ठीक है 10% टैक्स लगा लो, मान लो 200 हो गया बेटे, 200 उसने टैक्स पे कर दिया। तो अब सोच के देखिए, ही ऑलरेडी पेड द टैक्स 200, तो जब वो ऑलरेडी पे कर चुका है बेटे, ठीक है, तो बाकी टैक्स पे करते समय उसे 200 का क्रेडिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना। अब देखिए, अब एक्स ने इसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया बेटे, रिमेंबर जीएसटी में टैक्स कैसे निकलता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पर, इस टैक्स पे टैक्स नहीं लगेगा जीएसटी में, कास्केडिंग इफेक्ट इग्नोर है यहां पर। 2030 की कॉस्ट मान लो इसने अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया 1000 रुपए का, और इसने बेटे 3000 में माल बेचा, अब 3000 में जो जीएसटी इसने बेटे कलेक्ट की होगी वो कितना, 10% लेके चले हैं ना, 300 बेटे, तो 300, तो 200 जीएसटी उसने पे कर दी ऑलरेडी, 300 उसने कलेक्ट कर ली बेटे। अब जीएसटी कितना, नेट लाइबिलिटी कितनी आएगी उसकी जीएसटी की बेटे, नेट टैक्स पेबल कितना होगा उसके लिए, फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, यानी कि 300 आउटपुट है, 200 इनपुट है, उसे अब केवल 100 रुपए पे करने हैं, ये जो 200 उसने लेस किए ये बेटे क्या कहलाता है, ये कहलाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो कलेक्ट किया उसने जीएसटी उसमें से जो ऑलरेडी पे कर चुका है 200 उसका उसे मिल जाता है क्रेडिट, जो कि कहलाता है इनपुट
टैक्स क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जीएसटी प्रोविजन ऑन एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट पर जीएसटी कैसे लगता है, देखिए मैंने पहले बताया था कि एक्सपोर्ट पर जीएसटी लगते ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि हमने जिस गुड्स को एक्सपोर्ट किया है उसका जो प्लेस ऑफ कंजप्शन है वो सम कंट्री होगी, कोई दूसरा देश होगा बेटे, तो वो तो हमारी टेरिटरी हमारी सीमा में है ही नहीं। तो जो देश हमारी सीमा में है ही नहीं हम उस पर कैसे टैक्स चार्ज कर सकते बेटे? तो सिंपल सी बात है, जो एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, जब हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं की जाती बेटे, ठीक है। बट जो एक्सपोर्टर होता है, एक्सपोर्टर, उसे ये जो इनपुट ऑलरेडी जीएसटी उसने पेड कर दी ना, उसका उसे क्रेडिट मिल जाता है, गवर्नमेंट उसे उसका रिफंड कर देते बेटे, ठीक है। सो टैक्स अथॉरिटी से उसको रिफंड मिल जाता है एक्सपोर्ट पे। तो एक्सपोर्ट हमने किया, कंजप्शन बेटे कोई दूसरा देश कर रहा है, कोई उस पर जीएसटी नहीं लगती। जो एक्सपोर्टर ने बेटे ऑलरेडी जीएसटी पे कर दी उसका उसे गवर्नमेंट क्रेडिट दे देगी। नेक्स्ट है जीएसटी प्रोविजन ऑन इंपोर्ट, ठीक है बेटे। तो जीएसटी प्रोविजन ऑन इंपोर्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंपोर्ट में पहले तो लगती है कस्टम ड्यूटी, जब दूसरे देश से माल या इंडिया की सीमा में, इंडिया की सीमा में, कस्टम में, भारत के कस्टम में, भारत की सीमा में शामिल होगा तो पहले उस पे होगी कस्टम ड्यूटी। क्या पे होगी? सीडी द कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी पे करने के बाद फिर उस पर लग जाएगी आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जिस भी स्टेट में जाएगा वो माल, जिस भी स्टेट में माल जाएगा वो गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी और आधा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगी, ठीक है। तो कस्टम ड्यूटी प्लस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर लगता है बेटे। लास्ट पॉइंट है एग्जिस्टिंग टैक्सेस टू बी कंज्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो आपको पता है जीएसटी एक वन टाइम टैक्स होता था, वन टाइम टैक्स है जिसने कई सारे टैक्सेस को रिप्लेस किया था बेटे, कई सारे पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको जोड़कर एक जीएसटी बनाया गया था। तो आपको बताया हुआ है कि सेवल एग्जिस्टिंग टैक्सेस हैव बीन सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी, यानी जीएसटी के अंडर बहुत सारे टैक्सेस को हमने सब्स्यूम्ड किया हुआ है, जैसे कि बेटे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी यानी कि प्रोडक्शन पर लगने वाला टैक्स बेटे, उसके साथ स्टेट वैट, स्टेट जो होता है वो वैल्यू एडिशन टैक्स चार्ज करता था बेटे, ठीक है। इसके बाद था सीएसटी, सेंट्रल स्टेट सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल अलग से टैक्स लगाती थी, स्टेट अलग से टैक्स लगाता था, क्योंकि रेवेन्यू तो दोनों को ही चाहिए था बेटे, तो सेंट्रल अलग से और स्टेट अलग से टैक्स लगाता था। परचेस टैक्स था बेटे, लग्जरी आइटम का टैक्स होता था पहले, ठीक है। एंट्री टैक्स होता था भाई, एक सीमा से दूसरी सीमा में, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में एंट्री करने पर भी टैक्स होता था पहले, लेकिन अब वो जीएसटी के अंदर शामिल हो गया बेटे। इंटरटेनमेंट टैक्स होते थे, ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए मॉल्स में जाके भाई, ठीक है, सिनेमा घरों में मूवीज देखनी है तो उस पर भी अब जीएसटी लगता है, पहले इंटरटेनमेंट टैक्स था। सर्विस टैक्स हो गया और केसेस एंड सरचार्जेस, ठीक है, सेस लगते हैं, सेस और सरचार्जेस ये लगते हैं, एजुकेशन सेस वगैरह जो होते थे उन सब पर बढ़कर जीएसटी लगने लग गए बेटे। तो ये थे आपके की फीचर ऑफ जीएसटी। देखिए स्टूडेंट्स, हम कंपैरिजन कर लेते हैं बेटे ओल्ड सिस्टम और जीएसटी के सिस्टम का, ठीक है। एक बार एग्जांपल लेंगे हम इंट्रास्टेट का और इंटरस्टेट का, इनके एग्जांपल हम देखेंगे एक बार अब अच्छे से। आपको पता है बेटे जो जीएसटी सिस्टम है उसने कई सारे टैक्स जो लगते थे इंडिया के अंदर, अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कितने सारे टैक्स थे आपके, लग्जरी टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आपकी हो गई, इंटरटेनमेंट टैक्स हो गया आपका, एंट्री टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया। तो जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे बेटे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो किसी को समझ पाना किस टाइम पे कौन सा टैक्स लग जाए, वेरी डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्स था आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर था बेटे। तो जीएसटी ने बेसिकली किया क्या, जीएसटी ने आकर सभी टैक्सेस को सब्स्यूम्ड या मर्ज कर दिया, और अब जीएसटी केवल वन टाइम टैक्स होता है, केवल एक बार ये टैक्स लगता है, ठीक है, वो भी केवल सेल के समय या गुड्स की सप्लाई के समय बेटे टैक्स आपका लगता है, ठीक है। तो जीएसटी ने काफी ज्यादा जो अलग अलग टैक्स लगते थे उन सबको खत्म करके केवल वन टाइप टैक्स, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स में कन्वर्ट कर दिया बेटे। अब एक बार एग्जांपल देख लीजिए, द कंपैरिजन ऑफ ओल्ड सिस्टम एंड जीएसटी सिस्टम, इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा यानी विद इन, इंट्रा को हिंदी में कहते बेटे विद इन द स्टेट, यानी अब स्टेट के अंदर ही सप्लाई हो रही है, और मैंने एग्जांपल लिया है दिल्ली टू दिल्ली, यानी दिल्ली का ही एक वेंडर है जो दिल्ली के ही दूसरे वेंडर को क्या कर रहा है, ठीक है, माल बेच रहा है बेटे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल मैंने आपके लिए लिया है। अब देखिए इस एग्जांपल में बेटे, सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटे, ठीक है। मान लीजिए जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो दोनों ही सिस्टम में 2000 है बेटे, पहले भी 2000 की कॉस्ट पड़ रही थी उसको और अब भी 2000 की ही कॉस्ट उसे पड़ रही है बेटे। सेकंड देखिए, एड प्रॉफिट,
अब मैन्युफैक्चरर बेटे माल को कुछ ना कुछ प्रॉफिट पे तो सप्लाई करेगा ही। हम मान लेते हैं 200 हो गया प्रॉफिट अंडर द बोथ सिस्टम बेटे, ठीक है। बुक में आपको एग्जांपल दिया हुआ है बेटे, देखिए बुक में 411 पेज पर आपको एग्जांपल दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन 412 पेज पे क्या हुआ है बेटे। तो ध्यान रखिएगा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये फर्स्ट वाले का ही है, कहीं आप कहो ये अलग टॉपिक वो अलग टॉपिक, एक्सप्लेनेशन बेटे दोनों सेम है। तो देखिए हम बता रहे थे कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2000 हो गई दोनों की, प्रॉफिट 200 ऐड हो गया, यानी कि मैन्युफैक्चर प्राइस कितना पड़ा बेटे 2200 रुपए मैन्युफैक्चर प्राइस पड़ा, ठीक है 2200 रुपए। अब है जो ओल्ड सिस्टम था उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती थी बेटे, एक्साइज ड्यूटी प्रोडक्शन पर लगती थी है, ठीक है प्रोडक्शन पर आपकी एक्साइज ड्यूटी लगती है बेटे। तो ओल्ड सिस्टम में जो एक्साइज ड्यूटी थी वो 12.5% लग रही थी आपकी, हमने 12.5% लिया बेटे। जीएसटी सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी खत्म हो गया, ये आपको पता है, जीएसटी में तो सीधा जीएसटी लगेगी, एक्साइज ड्यूटी सेल टैक्स ये कुछ नहीं लगेगा, वैट वगैरह कुछ नहीं लगेगा बेटे। तो यहां तो आप क्या करोगे, यहां तो मार दोगे डैश होगी, इसमें लगता ही नहीं। यहां पर आ जाइए 12.5% जो होते बेटे 2200 का 12.5% आपका हो जाएगा 275 बेटे, 275 तो टोटल कितना हो गया 2475, यस 2475 आपका हो गया बेटे टोटल वैल्यू, ठीक है टोटल वैल्यू आपकी 2475 हो गई, ठीक है एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद, जबकि जो जीएसटी में टोटल वैल्यू है वो अभी भी 2200 है, क्योंकि जीएसटी में बेटे एक्साइज ड्यूटी कभी लगती ही नहीं है, नहीं लगती। इसके बाद टोटल वैल्यू के बाद जब सेल होती है तो लगता है वैल्यू एडिशन टैक्स जो कि 12.5% होता है। अब देखिए इसमें ऑलरेडी एक टैक्स तो ऐड हो ही चुका बेटे, अब जो 12.5% है वो ठीक है टैक्स पर भी टैक्स लगाएगा, ये 275 टैक्स है ना इस पर भी टैक्स लगाएगा, जिसे हम कास्केडिंग कहते थे, कास्केडिंग इफेक्ट बेटे। जीएसटी के आने से कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हुआ, लेकिन ओल्ड सिस्टम में कास्केडिंग इफेक्ट नहीं था बेटे। तो जो 12.5% आप वैट लगा रहे हो तो देखिए किस वैल्यू पर, टोटल वैल्यू पर 2475, जिसमें 275 आपकी ऑलरेडी टैक्स था, तो अब इस 275 की वैल्यू पर भी टैक्स लग रहा है, यानी टैक्स ऑन टैक्स, ये तो ऑलरेडी टैक्स है ही, अब जो लगेगा वो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा बेटे। तो 2475 का 12.5% आपका होता है बेटे वैट 309 रुपए, 309 रुपीज बेटे वैट, यहां भी नहीं लगेगा, जीएसटी में वैट लगता ही नहीं, केवल जीएसटी लगेगी बेटे। तो अब यहां पर देखिए यहां पर इनवॉइस वैल्यू कितनी पड़ेगी बेटे, ठीक है यहां पर आपकी इनवॉइस वैल्यू कितनी पड़ेगी, अब देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% लगेगा जीएसटी सिस्टम में, ठीक है यहां पर ये वाला पॉइंट खाली हो जाएगा, क्योंकि ओल्ड सिस्टम में जीएसटी था नहीं, ओल्ड सिस्टम में आपका लग चुका है बेटे एक्साइज ड्यूटी और साथ ही साथ वैल्यू एडिशन टैक्स, जीएसटी 9% लगेगी अब आपके जीएसटी सिस्टम में, तो 2200 का 9% आप देखिए कितना होता है बेटे 198 होता है। तो अब देखिए क्योंकि इंट्रा स्टेट सप्लाई है, इंट्रा स्टेट के अंदर ही है, स्टेट के अंदर जब होती है तो उस पर दो जीएसटी लगती है, एक तो सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है बेटे 50% और एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाते हैं बाकी 50%, तो 9% दोनों की 198 बेटे हो गई, दोनों की 198 स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगा और 198 ही सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ले जाएगी बेटे। तो अब देखिए टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी पड़ती है दोनों सिस्टम में, तो बेटे ओल्ड सिस्टम में जो टोटल इनवॉइस वैल्यू आपकी वो पड़ी 2784 रुपए बेटे, दोनों को ऐड कर लीजिएगा 9, 5, 14, 8, 7, 2, 7, 8, 4 आपका पड़ गया, वहां पर आपकी टोटल वैल्यू पड़ी बेटे 2596 रुपए, 2596 रुपए। तो देखिए जीएसटी के आने से ये इफेक्ट पड़ा बेटे, ये जो टैक्स के ऊपर टैक्स था ना, टैक्स के ऊपर टैक्स था बेटे, ये सिस्टम खत्म हुआ, पहले वो जो वैल्यू आपको 2700 रुपए की मिलती थी आज वो वैल्यू आपको 2500 रुपए की मिल जाएगी, यानी कि 200 रुपए कस्टमर के बच जाएंगे बेटे। तो ये था आपका जीएसटी सिस्टम बेटे, ठीक है जो इनवॉइस प्राइस है ओल्ड सिस्टम में वो आपका आया 2784 और जीएसटी में आया 2596 बेटे। तो आपने देखा कि जीएसटी में जो टैक्स होता है वो काफी कम लगता है एज कंपेयर टू ओल्ड सिस्टम, क्योंकि ओल्ड सिस्टम में तो टैक्स बेटे कई बार लगता है, यहां दो बार लगा है ना एक्साइज ड्यूटी और वैट, और टैक्स पे भी टैक्स लगा है, टैक्स पे भी टैक्स लगा है, जबकि जीएसटी सिस्टम में केवल वन टाइम टैक्स लगा बेटे, ठीक है और काफी जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता था पहले समय का उसे काफी इजी बना दे बेटे जीएसटी सिस्टम में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।